क्या आप भी गंजेपन से परेशान हैं? क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लंबे बालों की चाहत तो हर किसी की होती है, लेकिन बाल झड़ना या फिर गंजापन तो बिना बताया आता है। ये सीधे इंसान के आत्मविश्वास पर चोट करता है। गंजेपन के इलाज का दावा कई लोग करते हैं। अब ऐसा ही एक दावा थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने भी किया है। थाईलैंड के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने जिस दवाई की खोज की है उससे गंजेपन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उनका कहना है कि मैंग्रोव नाम के एक पेड़ से मिले अर्क से गंजेपन को ठीक किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने सफलता मिलने का दावा किया है। आपको बता दें कि यहाँ हम जिस मैंग्रोव पेड़ की बात कर रहे हैं वो पौधे समुद्र के तटों पर उगते हैं। गंजेपन को ठीक करने वाले मैंग्रोव के अर्क को एविसेनिया मारिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें एविसेक्विरिन सी पाया जाता है जो एक्टिव कंपाउंड एंजाइमों के साथ क्रिया करता है। एविसेक्विरिन सी से बालों का झड़ना रुक जाता है। गंजेपन के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स को भी ये कम करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का दावा गंजेपन का शिकार लोगों के लिए राहत की खबर साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस दवाई के क्लिनिकल ट्रायल में 50 लोगों को शामिल किया है और सकारात्मक परिणाम नजर आए। वैज्ञानिकों ने पाया कि अर्क बालों को झड़ने से रोकने और उन्हें बढ़ाने में कारगर है। एविसेक्विरिन सी की रिसर्च में शामिल वैज्ञानिक सालों से इस पर खोज कर रहे हैं। थाईलैंड की चुल्लॉन्ग कोर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद थाईलैंड से पुरस्कार भी मिल चुका है। ट्रायल वैज्ञानिकों ने 50 महिलाओं और पुरुषों के बालों पर इसका टेस्ट किया। सभी से अर्क के लेप को सिर पर लगाने के लिए कहा गया। लगातार कई दिनों तक वैज्ञानिकों ने सभी के सिर की तस्वीरें ली और पाया कि अर्क का लेप बाल उगाने में सफल साबित हो रहा है। अब सवाल ये है कि अर्क का ये लेप बाजार में कब आएगा। चुल्लॉन्ग कोर्न विश्वविद्यालय के फार्मा कोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल बॉटनी के फैकल्टी से प्रोफेसर वांचाई डेनाम मकुल ने बताया कि इससे बाल न सिर्फ झड़ने रुक जाएंगे बल्कि नए बाल भी उगेंगे। जल्द ही ये दवाई बाजार में आने वाली है क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी ने इसके कमर्शियल प्रोडक्ट करने की तकनीक का पेटेंट भी करवाया है। माना जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों में ये दवा बाजार में आ सकती है। तो है ना ये खबर आपके काम की। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।